Hello everyone, in this video we will execute all SQL commands in Python interface. इस वीडियो में हम SQL की कमांड्स को Python इंटरफेस में मतलब Python के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड. अभी हम फर्स्ट कमांड यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट. राइट, अब लास्ट वीडियो में हमने कैसे देखा था कि आप कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हो, ओके, SQL का Python के साथ, फाइन, और आप कैसे SQL का डेटा Python में क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, उसे एक्सेस करते हो. राइट, अब हम Python के थ्रू क्या करेंगे, SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा है बोलेंगे हैश. ठीक है, फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम अपना, उसमें हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पर माई डी बी ले लेते हैं इसका नेम, माई डी बी. ओके, फ्रॉम पाइथन टू माई एसक्यूएल. राइट, तो यहाँ पे हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में जाके क्या करेंगे, कोड नहीं लिखेंगे, हम पाइथन के अंदर कोड लिखेंगे और वो कहाँ क्रिएट होगा, माई एसक्यूएल में क्रिएट होगा. ओके, तो सबसे पहले जो हमारी कमांड आती है, राइट, वो क्या है, इम्पोर्ट. आपको इम्पोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज. ओके, तो मैंने इसको ले लिया एस एसक्यूएल टर. तो ये इसका क्या है, एलियस नेम है. इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं स्क्रीन को, लो. ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल टू यू. फाइन, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज इम्पोर्ट कर लिया है. फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे. ठीक है, और कनेक्टिविटी किसके बीच में, पाइथन और MySQL के बीच में क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया MyCon. MyCon क्या है, दैट आई विल टेल यू. ठीक है, MyCon SQL TUR, ये SQL TUR क्या है, मैंने alias नेम लिया है. ठीक है, जिससे मुझे पूरा MySQL डॉट कनेक्टर ना लिखना पड़े, आप कुछ भी ले सकते हो, नेम डॉट कनेक्ट. ओके, डॉट कनेक्ट. अब इसके अंदर आपको क्या पास करना है, कनेक्ट फंक्शन के अंदर आपको फोर पैरामीटर्स पास करने हैं. सबसे पहले है आपका होस्ट. राइट, तो मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं लोकल होस्ट पे वर्क कर रही हूँ. ठीक है, लोकल होस्ट. ओके, यूज़र, यूज़र आपका रूट है. जब आपने MySQL को जब आपने इंस्टॉल किया था तो आपने यूज़र जो यूज़र नेम दिया था वो आपने रूट दिया था. ठीक है, पासवर्ड मेरा है 1 2 3 4 5. ओके, राइट, अब देखो यहाँ पे मैंने अभी डेटाबेस नेम नहीं दिया है क्योंकि मैं डेटाबेस खुद क्रिएट करूँगी. तो मैंने इसके अंदर तीन पैरामीटर्स पास किए हैं, होस्ट, यूज़र एंड पासवर्ड. राइट, क्योंकि अभी डेटाबेस तो मुझे खुद ही क्रिएट करना है यहाँ पे. अब देखो हम क्या, अब MyCon क्या है, MyCon जो यहाँ पे देखो जो जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. राइट, तो MyCon क्या है, डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिक सेशन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द पाइथन एंड द डेटाबेस. राइट, मतलब ये कनेक्टिविटी सेशन को रिप्रेजेंट करता है. फाइन, तो ये जो भी कनेक्शन क्रिएट होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, MyCon कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. तो MyCon आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. फाइन, अब देख लो, अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ इस कनेक्टेड इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर फॉल्स है, अगर मैंने इसको दे दिया फॉल्स, तो कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा. राइट, तो प्रिंट हो जाएगा मेरा, प्रिंट एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस. राइट, अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है तो आपका एरर आ जाएगा. ओके, अब देखो,
अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट को. ओके, माइकॉन हमारा क्या था, ये था हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट. फाइन, जो क्या स्टोर करता है, जो आप जो पाइथन और MySQL का कनेक्शन क्रिएट हुआ है, ये उसका सेशन स्टोर करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें क्रिएट करना है वो कर्सर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है. कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट गेट एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स. जो भी रिकॉर्ड्स आप MySQL से एक्सेस करते हो वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होता है. ठीक है, तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट को अब क्रिएट करेंगे. कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, जैसे मैंने मेरे जो कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिया है कर्सर. फाइन, तो इसके लिए, इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो क्या है मेरा माइकॉन डॉट कर्सर फंक्शन. फाइन, आपका क्या आ जाएगा, माइकॉन डॉट कर्सर फंक्शन से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. फाइन, अब कर्सर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो गया है, इसकी हेल्प से आप जितनी भी एसक्यूएल की क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करा सकते हो. राइट, ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट फंक्शन में आप अपनी क्वेरी दे दो, जो भी आपको क्वेरी करनी है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं दे देती हूँ MyDB दे देती हूँ. चलो MyDB, ओके, मैंने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया क्रिएट डेटाबेस MyDB अंडरस्कोर, चलो इतने ही ले लेते हैं MyDB. ओके, अब लास्ट हमें क्या करना है, हमें अपने कनेक्शन को, जो कनेक्शन क्रिएट हुआ था वो कहाँ पे स्टोर है, आपका माइकॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर है, उसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूँगी, माइकॉन डॉट क्लोज. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे जो कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, क्रिएट डेटाबेस MyDB. मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ जिसका नाम क्या होगा, MyDB. ओके, अब हम इसे रन करेंगे, ये रन हो चुका है. नाउ वी विल सी आर डेटाबेस. अब डेटाबेस को हम देखते हैं, शो, इसमें कमांड मैंने ले लिया शो डेटाबेसेस. तो मैंने क्या क्रिएट किया था, MyDB. तो यहाँ पे देखो आपका MyDB आ चुका है. फाइन, जो हमने क्रिएट किया है MyDB वो यहाँ पे आ चुका है. ओके, तो अभी आपने क्या क्रिएट किया है, डेटाबेस को क्रिएट किया है. राइट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में पाइथन इंटरफेस में ही चेक करेंगे. पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, मेरा सेकंड प्रोग्राम जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, चेक चेक फॉर ऑल द डेटा बेसिस check for all the databases present in MySQL using Python. अभी मैंने क्या किया था, MySQL में जाके show databases कमांड देके चेक किया था कि मेरा MyDB डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. मैं इसको यहाँ पे भी चेक कर सकती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे जो अबव जो कमांड है, ठीक है, जो एज इट इज सेम रहेंगे उनको मैं कॉपी कर लेती हूँ. ओके, तो मेरा क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट तक एज इट इज़ सेम रहेगा. यहाँ पे इंपोर्ट से लेकर कर्सर ऑब्जेक्ट तक ये सेम रहेगा. कंट्रोल सी कर लिया, फाइन, और मैंने यहाँ पे कर लिया कंट्रोल वी. ठीक है, क्योंकि जो अबव कमांड है उससे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. सिंपल, ओके, आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो अबव कमांड से. ओके, नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट कमांड मुझे क्या देनी है, मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में कौन सी क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करोगे, मैं करूँगी यहाँ पे शो डेटा बेसिस. ठीक है, शो डेटा बेसिस. फाइन, देखो तो अब जो कमांड्स है वो हमने कॉपी करी क्योंकि वो एज इट इज़ रहेंगी, सेम रहेंगी. ओके, ये कमांड्स हमने
किस लिए राइट किए हैं, टू क्रिएट द कनेक्शन, फाइन। उसके बाद आपने कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फाइन, बाय यूजिंग द माइकॉन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब आपकी जो क्वेरी है वो क्या है, शो डेटाबेसेस, आपको यहाँ पे डेटाबेसेस को शो कराना है, फाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस को शो कराने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूप का यूज़ करूँगी, फॉर आई इन कर्सर। अब देखो मैंने आपको बताया था कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो भी क्या होता है डेटा, ओके, क्वेरी के थ्रू एक्सेस होता है, फेच होता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वो कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। और हम उसे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है आप उसे आइट्रेट कर सकते हो, मतलब उसे एक्सेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रोज, फाइन। तो यहाँ पे देखो फॉर आई इन कर्सर, ओके, मैंने लिख दिया प्रिंट आई, ओके, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने कनेक्शन को क्लोज करना है, माइकॉन डॉट क्लोज, फाइन। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, फाइन। देखो यहाँ पे ऊपर आपका ये सेम था, फिर आपने सिंपल क्या किया है, क्वेरी जो एग्जीक्यूट की है उसमें लिखा है शो डेटाबेसेस, एंड जो भी आपका डेटा होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में। तो कर्सर ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है, ओके। तो हमने यहाँ पे फोर लूप की हेल्प से उसको एक्सेस किया है और प्रिंट करा दिया है। नाउ वी विल रन दिस। देखो आपके पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई है, जो भी डेटाबेसेस हैं इसमें हमारा जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो कौन सा था, MyDB, ओके। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया और देखा कि आप डेटाबेस को कैसे शो करा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके। ये हमारी क्या है, थर्ड प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ टेबल इन MySQL। MySQL के अंदर हम टेबल को क्रिएट करा रहे हैं, किस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हमारा है MyDB जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। क्रिएट अ टेबल इन MySQL, ओके, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, फाइन, पाइथन इंटरफेस को यूज करके। अब देखो स्टार्टिंग का तो मैं एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ओके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे और देनी है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नेम देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस। और मेरे डेटाबेस का नेम क्या है, मेरे डेटाबेस का नेम है MyDB। आप देखो ऊपर जाके आप देख सकते हो आपके डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया था उसका नेम क्या है, MyDB, ओके। तो आप यहाँ पे दे दो MyDB, राइट, दिस इज योर डेटाबेस नेम, ओके। अब आप देखो इतना हमने क्या किया था, कॉपी कर लिया था कर्सर तक, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हमने क्या क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में हम करेंगे अपनी कमांड को लिखेंगे CREATE क्रिएट TABLE टेबल, ठीक है। और मेरी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके। और उसमें मैं कौन कौन से कॉलम्स ले रही हूँ, रोल नंबर मेरा इंट है, ठीक है, आप ले सकते हो उसमें कि कितना हो, मतलब तीन ही डिजिट ले सकते हो आप उसके अंदर। और वो क्या है, मेरा प्राइमरी की, ठीक है। एक कॉलम मैंने ये ले लिया, दूसरा कॉलम मैं ले लेती हूँ नेम, ओके, और वेयर केयर, नेम वेयर केयर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 30, ठीक है। नेम में कितने हैं मेरे करेक्टर्स आ सकते हैं, 30, फाइन। एक मैंने ले लिया एज, इंट, ओके, एंड नेक्स्ट मैंने ले लिया सिटी,
वेरकेर सिटी में हमने ले लिया वेरकेर 20, ओके सिटी में आपने ले लिया वेरकेर 20, फाइन। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी क्या कर दी है, लिख दी है, ओके। अब आपको सिंपली क्या करना है, माइकॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, डॉट क्लोज, ओके। नाउ वी विल रन दिस, इसको आपने रन कर दिया है और टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब देखो मैं पहले आपको वहाँ पे भी चेक करा देती हूँ कि टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है MySQL में। यहाँ पे देखो पहले हम करेंगे use my db, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे show tables, तो देखो आपकी स्टूडेंट टेबल आ गई है, ठीक है, आ गई है, इसने शो कर दिया है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं देखो यहाँ पे आपको शो करूँगी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपकी टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, राइट, चेक वेदर द क्रिएटेड टेबल CREATED क्रिएटेड टेबल एग्जिस्ट इन MySQL, ओके, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, मैंने आपको उसमें MySQL में तो शो कर दिया है, ठीक है, बन चुकी है, बट आप यहाँ पे भी उसको चेक कर सकते हो, कैसे, कंट्रोल वी, अब कमांड एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, तो यहाँ पे मेरी क्वेरी होगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसमें कौन सी कमांड दोगे आप दोगे शो टेबल्स, ठीक है। SQL की कमांड्स आपकी सेम होती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, शो टेबल्स, राइट। अब देखो जितनी भी टेबल्स होंगी वो कहाँ जाके, मतलब जितना भी डेटा होगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आपके कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो फेच करना है, तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट के डेटा को क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। उसके लिए हम फोर लूप का यूज़ करते हैं, फोर IN कर्सर प्रिंट I एंड अपने माइकॉन ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ओके। नाउ वी विल रन दिस, इसको रन करेंगे, देखो वेट आ रहा है अभी, वेट के बाद, ओके। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं लिया था, ठीक है, हमें डेटाबेस भी तो देना है। डेटाबेस हमारा क्या है, डेटाबेस है हमारा MyDB, राइट, ओके। अब डेटाबेस नहीं दिया है तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, फाइन। तो अब इसको रन करते हैं, देखो आपका यहाँ पे आ गया टेबल स्टूडेंट टेबल आपकी आ गई है, फाइन, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट। नेक्स्ट कमांड में हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कॉलम अपनी टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कमेंट, ये मेरा फिफ्थ प्रोग्राम है, इसमें हम ले लेते हैं कमेंट मॉडिफाई टेबल स्टूडेंट टेबल को हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, कैसे, एडिंग अ न्यू कॉलम COLUMN कॉलम, ओके, इन MySQL using python interface, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस जो आपने टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट टेबल, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू कॉलम को ऐड करेंगे, फाइन। अब देखो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, जो मैं ऊपर से कॉपी किया था ना, तो क्या हुआ था, हाँ यहाँ तक ले लेते हैं कंट्रोल सी, इसमें आपका डेटाबेस भी आ जाएगा,
क्योंकि अबव कमांड आपकी सेम है, कंट्रोल वी, राइट, आपने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने तक ले लिया है, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल्टर कमांड को यूज़ करके आप टेबल के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसमें कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे हम ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ओके, ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर एम ए मार्क्स, मार्क्स कॉलम को ऐड कर देते हैं, ठीक है, मार्क्स इंट, और 3 डिजिट का हम उसमें ले लेंगे नंबर, फाइन। हमने ऑल्टर कमांड दे दिए यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे, माइकॉन डॉट क्लोज, ओके। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। देखो ये आपका रन हो गया है, मतलब एक कॉलम आपका ऐड हो चुका है क्योंकि एरर नहीं आई है। अब क्या करेंगे, हम यहीं पे देखते हैं कि कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, फिर हम MySQL में भी देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट जो कमेंट होगा वो होगा 6 के मॉडिफिकेशन देखेंगे, हम देखेंगे कि जो टेबल जो आपने ऐड किया था वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, व्यू दी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन MySQL, ठीक है, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर एज इट इज मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ये आ गया मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट तक, राइट। अब ओके, अब हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, और क्वेरी में हमें क्या करना है, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। तो आप क्या कमांड दोगे, डिस्क्राइब DESC, ओके, शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट दे दिया, हमने उसके अंदर क्या किया है, एक कॉलम और ऐड किया है, राइट, किसके, और वो कॉलम क्या है हमारा, मार्क्स, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 4, अब जितने भी कॉलम्स एक्सेस होंगे, राइट, वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, आपके कर्सर ऑब्जेक्ट में होंगे, तो उसको हमें एक्सेस करना है, फॉर आई इन कर्सर प्रिंट आई, आपको डेटा मिलेगा किस फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, राइट, आपको करना है अपने कनेक्शन को क्लोज। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। देखो आपका आ गया है रोल नंबर, आपने रोल नंबर कॉलम दिया था पहले, नेम, एज, सिटी, अब मार्क्स भी आपका ऐड होके आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, MySQL में भी हम देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें DESC डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्क्स ऐड, मार्क्स कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ओके। तो आपने कॉलम ऐड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी टेबल के अंदर, हमारी टेबल बन चुकी है, अब इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, फाइन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक ही रो को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमेंट ले ली, ये मेरा 7th प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे ले ली इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू टेबल स्टूडेंट, ठीक है, बस इतना ही लिख देती हूँ, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू टेबल स्टूडेंट, फाइन। अब कंट्रोल वी, ओके, कर्सर ऑब्जेक्ट तक आपने इसको कर बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, तो मैं यहाँ पे दूंगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट,
फॉर एग्जीक्यूट में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड अपनी यूज करेंगे. ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, राइट, वन नेम मैंने दे दिया रोहन. ओके, और मैंने एज दे दी 23, और मैंने सिटी दे दी मुंबई. ओके, एंड मार्क्स भी आपको देने हैं, मार्क्स दे दी मैंने 89, राइट, क्योंकि हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया था मार्क्स का. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दूंगी माइकॉन डॉट कमिट फंक्शन. अब कमिट फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया है जिससे जो भी चेंज आप कर रहे हो अपने टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो क्या हो जाए, परमानेंट, राइट. उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, उसके लिए हमने कमिट फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट हम दे देते हैं प्रिंट कर्सर डॉट रो काउंट. अब रो काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हो टेबल के अंदर. फाइन, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड इंसर्टेड इंसर्टेड, राइट. ओके, देन आप माइकॉन डॉट क्लोज. ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. अच्छा, माइकॉन ही लिखा आपने, माइकॉन, अगेन रन दिस. ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. टेबल में जाके देखें इसके अंदर, देखो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, तो देखो अभी हमने एक रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट किया है. फाइन, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेती हूँ. मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इंसर्ट इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स. सिर्फ मैंने इतना लिख दिया, इंसर्ट इनटू टेबल लिख देते हैं, इनटू टेबल स्टूडेंट. फाइन, इससे पहले हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे और भी रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे कंट्रोल वी एज इट इज मैंने दे दिया है. अब आपको क्या करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्टूडेंट वैल्यूज. अब ये ध्यान रखना, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो उसकी वैल्यू रिपीट ना हो. ठीक है, राधिका राधिका. ओके, नेम ले दिया. ठीक है, और यहाँ पे एज मैंने दे दी 24. ठीक है, सिटी आप दे दो गोवा. ठीक है, एंड सिटी आप दे दो गोवा, एंड मार्क्स दे दो आप 70. ठीक है, अब देखो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूँगी. कंट्रोल सी, फाइन, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी. ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स हम इसके अंदर एंटर करा देते हैं. अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर कर दिया 3, नेम कर दिया यहाँ पर पूजा. ठीक है, एज दे दी 25, सिटी दे दी मैंने यहाँ पर SHIMLA शिमला, और मार्क्स कर देते हम 80. ठीक है, यहाँ पे 4 रोल नंबर कर देते हैं और नेम दे देते हैं, नेम देते हैं अर्जुन. ठीक है, अगेन एज 24 दे सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं दिल्ली, और मार्क्स देते हैं 90, राइट.
एंड फाइव नेम आप दे दो प्रिया, एज 26 एंड सिटी आप दे दो पुणे और मार्क्स आप दे दो 60, राइट ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइकॉन डॉट कमिट, ठीक है। कमिट हम किस लिए करें, जिससे जो भी हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं वो क्या हो जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए, फाइन। और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट कर्सर डॉट रो काउंट, जिससे हमें नंबर ऑफ रोज भी काउंट होके आ जाएंगी, ठीक है ठीक है। ये कर्सर की प्रॉपर्टी है, रो काउंट रिकॉर्ड इंसर्टेड, और लास्ट में आप कर दो माई कॉन डॉट क्लोज। ओके नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। ओके वन रिकॉर्ड इंसर्टेड ओनली, वाई, चलो लेट्स सी। यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, राइट। वो पता नहीं क्यों वन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स आपके जो भी आपने कराए हैं वो सारे आपके इंसर्ट हो गए हैं, फाइन ओके। अब हम क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, आप अपने रिकॉर्ड्स को जो भी मैंने जैसे सिलेक्ट स्टार करके MySQL में देखा है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मेरे कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ एग्जीक्यूटिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग यूजिंग पाइथन, ओके फाइन। कंट्रोल वी, ओहो ये नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे फिर से ऊपर से करना पड़ेगा अपना डेटा। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, कंट्रोल सी, ठीक है, क्योंकि ये तो एज इट इज आएगा, नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, कंट्रोल वी, ठीक है। इतना हमने यहाँ से कॉपी कर लिया कर्सर ऑब्जेक्ट तक आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में आप स्टेटमेंट दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फाइन ओके। अब ये डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका डेटा, फाइन। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ माय रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉट इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। अब फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, कर्सर का पूरा डेटा फेच कर लेगा, ठीक है। कर्सर के अंदर जो भी डेटा है उसको फेच कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, राइट। और वो हमने कहाँ पे जाके स्टोर करा दिया है, वो हमने माय रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करा दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फेच ऑल का यूज़ बता रही हूँ, फेच ऑल फंक्शन की हेल्प से आपने कर्सर का डेटा इन द फॉर्म ऑफ टपल कम्प्लीटली फेच कर लिया है, ओके। और उसको हमने रिकॉर्ड उसको हमने स्टोर करा दिया माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर आई इन, अब सारा डेटा कहाँ है, माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर, तो हम माई रिकॉर्ड्स को लेंगे, माई रिकॉर्ड्स प्रिंट आई, और यहाँ पे आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे तो आपका कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा, ओके। रन दिस, देखो आपका आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी डेटा था यहाँ पे देखो, ये टेबल्स, ये आपकी टपल, ये आपका रिकॉर्ड्स है, ये यहाँ पे टपल्स की फॉर्म में आ गया है, फाइन ओके। तो आपने यहाँ पे पूरा डेटा टेबल का एक्सेस करा दिया है, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट,
ओके, यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो हम क्या करते हैं MySQL में करते हैं, कंडीशन देके उसको हम पाइथन इंटरफेस के थ्रू सेलेक्टिवली अब डेटा को एक्सेस कराएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग वेयर क्लॉज। तो यहाँ पे हम कंडीशन, अब पूरा डेटा हम नहीं करा रहे हैं, पूरा डेटा एक्सेस नहीं कराएंगे, क्या करेंगे कंडीशन की हेल्प से एक पर्टिकुलर डेटा जो हम चाहते हैं वो उसको हम क्या करेंगे एक्सेस कराएंगे। ठीक है, ओके, वेयर क्लॉज कंट्रोल वी, या आपने क्या किया कनेक्शन ऑब्जेक्ट तक यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं देती हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्ट नेम एज ओके एंड मार्क्स, मैंने सिर्फ यहाँ पे तीन कॉलम्स दिए हैं, नेम एज एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू, सिटी हमारी क्या है, सिटी है हमारी दिल्ली। ठीक है, क्या आ जाए आपका नेम आ जाए, एज आ जाए और मार्क्स आ जाए, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल में क्या है सिटी क्या है दिल्ली है। ठीक है, फाइन। अब हम सेम कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी डेटा फेच होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल माय रिकॉर्ड्स इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल, फैच ऑल फंक्शन पूरा कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स फैच करके कहाँ स्टोर करा देगा, कर्सर से फैच हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल को आइट्रेट करेंगे, फोर आई इन माई रिकॉर्ड्स प्रिंट आई ओके माइकॉन डॉट क्लोज ओके। अब देखो मैं इसको रन कराती हूँ, ये आपका आ गया अर्जुन, नेम आ गया, एज और मार्क्स आ गए। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या था, जहाँ पे आपकी सिटी क्या थी दिल्ली। ठीक है, अब आप देखो ऊपर भी यहाँ पे अर्जुन दिल्ली हमने एक ही बार दिया है तो हमारा एक ही रिकॉर्ड आया है। फाइन ओके, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने कर ली। अब आप क्या करोगे अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करोगे पाइथन इंटरफेस की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये क्या है 11 स्टेटमेंट, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू पाइथन इंटरफेस ओके। हम अपने डेटा को क्या करेंगे डिलीट करेंगे। फाइन, कंट्रोल वी, कर्सर तक मैंने एज इट इज ले लिया है। फाइन ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे मेरी क्वेरी आ जाएगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एक मिनट इसको पकड़ लेते हैं। हाँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। ठीक है, जहाँ पे हमारा रोल नंबर क्या है 5 है वो डेटा आपका डिलीट हो जाए ओके। और यहाँ पे आपने इसको कर दिया माई कॉन डॉट कमिट, जिससे कि आपका चेंज जो हुआ है डेटा जो डिलीट हुआ है रिकॉर्ड जो डिलीट हुआ है वो परमानेंटली क्या हो जाए डिलीट हो जाए ओके। और प्रिंट करा दिया, प्रिंट कर्सर डॉट रो
रो काउंट, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड, राइट, एंड इन द एंड माइकॉन डॉट क्लोज, आपने अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखो वन रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया है जहाँ पे आपका रोल नंबर 5 था। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करती हूँ तो देखो आपका 5th रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिया वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे करेंगे अपने रिकॉर्ड को अपडेट, ओके, यूजिंग अपडेट कमांड। तो कंट्रोल, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हेडिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू पाइथन इंटरफेस, राइट, ओके, कंट्रोल वी, कर्सर ऑब्जेक्ट तक हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया है, फाइन। अब देखो मैं क्या करती हूँ, अपनी क्वेरी को ले लेती हूँ एक वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे मैंने ले लिया अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, ओके, और मैं क्या कर देती हूँ सेट एज इक्वल टू 28 वेयर नेम इक्वल टू, नेम देख लेते हैं हमारे क्या क्या है, नेम रोहन है ना, 23 एज है इसकी, 28 डेट एज कर लेते हैं, ठीक है, आर ओ एच ए एन रोहन, फाइन। तो मैंने यहाँ पे एस टी वेरिएबल के अंदर अपनी क्वेरी ले ली है, इसको मैं ले लूँगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दूँगी एस टी को, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको कमिट कर देंगे माइकॉन डॉट कमिट, जिससे कि वो परमानेंटली हो जाए, माइकॉन डॉट कमिट, राइट, प्रिंट करा देते हैं कर्सर डॉट रो, रो काउंट रिकॉर्ड अपडेटेड, कितना रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड्स मतलब अपडेट हुए हैं, अपडेटेड रिकॉर्ड्स अपडेटेड, ठीक है, एंड देन वी विल क्लोज माइकॉन डॉट क्लोज, फाइन। इसको हम रन कराएंगे, ये आपका हो चुका है अपडेट, हो चुका है वन रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी हमारी एज 23 है, अब हम सिलेक्ट स्टार करेंगे तो आपकी एज देखो यहाँ पे रोहन की 28 हो चुकी है। ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।